हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत साहू आपको टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम टू टेक्निकल क्लास। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे, आईएसपी में रुक गए थे हम, तो आज हम उसको बीएसपी कैसे कैलकुलेशन करना है, एफएचपी कैसे कैलकुलेशन करना है और टॉर्क कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको बताएंगे। तो अगर उससे पहले आप अगर हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो आइए हमारे टेक्निकल क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। तो चलिए पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन में रुक गए थे, आज 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में 52.34 एचपी इक्वल टू कितने वाट, ये देखिए मैट्रिक सिस्टम बगल में दिया है। मैट्रिक सिस्टम हम मैट्रिक सिस्टम क्यों लिख दिए, ऑप्शन में आपको आए, ऑप्शन में आपको दूसरा आएगा, ऑप्शन में या तो ऑप्शन देख के आपको डिसाइड करना है उसको मैट्रिक सिस्टम में दिया है मैट्रिक सिस्टम में दिया है, ज्यादातर मैट्रिक सिस्टम में देता है, लेकिन हम आपको आपको समझ में आया इसीलिए ये पूरा मेंशन किया है। तो 52.34 एचपी इक्वल टू कितना वाट, पहले तो 1 एचपी इक्वल टू कितना वाट होता है, 735.5 वाट रहता है। तो 52.34 एचपी इक्वल टू 735.5 इंटू 52.34, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 38.496, ठीक है, इतना वाट आता है, ठीक है। जैसे कि आप हमारे वीडियो को क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करिए, आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए, अगर क्वेश्चन आपका बन गया उसके बाद हमारे आंसर के साथ टैली करिए, अगर टैली आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इतना वाट और इतना किलो वाट, तो ये दिया है कितना किलो वाट, तो ये वैसे ही 74.12 में इसको गुना कर दीजिए, 74.12 जितना आंसर आया वो आपका वो है। तो इसका आंसर आता है 54.52 किलोवाट, ठीक है, इतना आंसर आता है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 419 एचपी इक्वल टू कितना वाट इन ब्रिटिश सिस्टम। जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम में हम बता दें कि 1 एचपी इक्वल टू कितना आता है, 746 वाट, और कितना वाट किलो वाट आता है, 1 एचपी इक्वल टू 0.746 किलो वाट। तो ये पहले 419 पूछ रहा है, तो इंटू 419, और ये पूछ रहा है कि 512 इंटू 512, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा कि 419 इक्वल टू आंसर आ रहा है कि 312.574 ये वाट है, ठीक है। और जैसे कि ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 512 एचपी, ये किलो वाट में पूछ रहा है, तो 82 किलो वाट में कितना आ जाएगा हमारा, 381.95, ठीक है, हमारे का ठीक हो गया। अभी 8 नंबर 9 नंबर ये दोनों आंसर, ठीक है, अब टैली कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द बीएसपी व्हेन टॉर्क इज 138 न्यूटन मीटर इन 4400 आरपीएम। ये देखिए क्या दिया है, पहले देख लीजिए, अभी माइंड में आएगा कि इतने कम में कैसे निकाल लेंगे, ऐसे नहीं, इतने में ही सब कुछ है। जैसे कि टॉर्क दे दिया, बीएसपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, बीएसपी का फॉर्मूला है 2πNT/4π00, क्या है 2πNT/4π00, तो 2πNT/4π00 किसका फॉर्मूला है, बीएचपी का, ठीक है। तो इसमें 2 तो जानते हैं,
पाई का वैल्यू भी जानते हैं 3.14 एन। एन क्या है? आरबीएम है, ठीक है, आरबीएम है। तो इसमें 4400 टॉर्क दिया है 138 न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो इसमें जब ये हमारा ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम में पूछ रहा है, तो ब्रिटिश सिस्टम में करने के लिए उसको केजी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.012 केजी मीटर। ये फॉर्मूला है केजी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सॉरी 0.12 नहीं, 1.02 है वो, 0.102। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 0.102 केजी मीटर। तो ये 138 न्यूटन मीटर दिया है, तो 138 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होगा? 138 इंटू 0.102, तो ये आ जाएगा 14.08 केजी मीटर, ठीक है। तो ये ले लीजिए 14.08 डिवाइडेड बाई 4500, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है कि 86.45 HP। ये भी देख लीजिएगा कि वाट में दिया है, ये किलोवाट में दिया है, तो आंसर देख के ये, ठीक है। अगर इसको किलोवाट में पूछ रहा है तो इसमें कितना गुना होगा? इंटू 0.73 डॉल पर। तो आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आएगा 63.58। ठीक है, इधर क्लियर। और उसी तरीके से ये देखिए, ये आ गया मेट्रिक सिस्टम में आ गया। और अगर अगर इसको ब्रिटिश सिस्टम में निकालेंगे तो ब्रिटिश सिस्टम में हम भी बता देते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम का फॉर्मूला है बीएसपी इक्वल टू, और एक फॉर्मूला बता रहे हैं 2πNT डिवाइडेड बाई 60,000, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो इसमें जब डालेंगे हम, जैसे ही फॉर्मूला बता, 2 को 2, पाई 3.14, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है 4400 इंटू 2 कितना है? 138, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60,000। ये सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आता है ये किलो वाट में आएगा, ठीक है। तो ये जब आएगा 63.55 किलो वाट। ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला में भी आएगा 63.58 आया, ये 63.55। थोड़ा सा अंतर रहता है, बस थोड़ा सा ही अंतर रहता है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूला देखिए। और ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम बता दें कि एफएचपी का है यार, फाइंड द एफएचपी व्हेन आईएसपी इज इक्वल टू 98.56 किलोवाट एंड बीएचपी 85.9 HP। ये देखिए, जैसे कि आईएसपी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एफएचपी का फॉर्मूला क्या है? एफएचपी का फॉर्मूला है आईएसपी माइनस बीएचपी, ठीक है। तो आईएसपी हमारा दे दिया है, कितना दिया है? 98.56। कितना दिया है ये? कितने किस में दिया है? किलोवाट में दिया है। और बीएचपी दिया है 85.9 HP। तो हमें ये पहले याद रखिएगा, ये किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस हो सकता है। तो ये हम किलोवाट लिख दिए, तो इसको एचपी को कन्वर्ट कर देते हैं 85.9 HP इक्वल टू कितना वो किलोवाट होगा, इसमें गुना कर दीजिए 0.73 डॉल पर।
तो इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आता है 63.18 किलोवाट। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, अभी बीएसपी का वैल्यू मिल गया हमें 63.18 किलोवाट। तो इसको अभी आंसर आंसर निकल आएगा 16 से 8, 8, 4, 1, 3, 8, 3, 5, 5, 3, 30.5.38। ठीक है, ये हमारा किलोवाट है, एफएचपी का निकल गया। अगर इसी को अगर ये किलोवाट का हम एचपी कर दे और एचपी को एचपी रहने दे तो इसको कैसे होगा? इसके लिए ये याद रखिएगा, जैसे कि 1 HP इज इक्वल टू 0.7355 क्या होता है, किलोवाट होता है। ऐसे ही 1 KW इक्वल टू, याद रखिए 1 KW इज इक्वल टू 1.3596 HP होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, ये 1.3596 कह सकते हैं या 1.36 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, फिर 98.56 किलोवाट कह रहा है, 98.56 किलोवाट इनटू 1.36 और 3596 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64.08 नहीं ये कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, 100 के ऊपर आएगा ये, चलिए कर देते हैं, हाँ ये 134.0416 इतना आएगा, ये क्या है, एचपी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आईएचपी मिल गया, ये कितना मिल गया, एफ एच फॉर्मूला डाल देते हैं, एफ एच पी इक्वल टू आई एच पी माइनस बी एच पी। तो आई एच पी कितना है, 134.0416 है, 04 है, और माइनस बी एच पी है 85.9। तो उसमें अभी एच पी में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये फिर माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, माइनस कर देंगे तो इसको आ जाएगा हमारा एफ एच पी। तो ये कितना आ रहा है, 48.14, ये क्या है, ये हमारा एफ पी। ठीक है, इसी तरीका से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा इसके साथ हमारा आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी और स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लेरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ ये क्लास पूरा खत्म होता है। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे कि हमारा जो मैं एमसीक्यू डिस्कस हो रहा था, एमसीक्यू डिस्कशन में आएंगे, एमसीक्यू डिस्कशन करने के बाद फिर हमारा चैप्टर वाइज आएंगे, सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ हम फिर से बता दें कि आप अगर हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो आइए, आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो में कुछ भी परेशानी हो रहा है या इसका कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।